अब देखिए आगे बढ़ते हैं और रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका रूस को तबाह करने वाला था, लेकिन यह युद्ध उसकी सुपर सीक्रेट तकनीक के लिए खतरा बन गया। रूस ने ब्लैक सी में MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया, अब उसका मलबा भी निकाल लिया गया है। रूस के इंजीनियर अमेरिका की टॉप सीक्रेट तकनीक के पोस्टमार्टम में छूट गए हैं। साथ ही रूस ने अमेरिका के GLSGB स्मार्ट बम को भी इंटरसेप्ट कर लिया है। अमेरिका के इस खतरे को समझ चुका है और इसका असर यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर भी पड़ने वाला है। देखिए कैसे एक ड्रोन का मलबा GLSGB पर इंटरसेप्ट अटैक और युद्ध का रुख बदल रहा है। अमेरिकी हथियारों के दम पर यूक्रेन ने फ्रीडम एफ से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रूस को बहुत नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार दिए, अपनी सुपर सीक्रेट तकनीक से उसकी मदद की। लेकिन रूस को तबाह करने की जिद अब अमेरिका के उस टॉप सीक्रेट के लिए खतरा बन गई है जो अमेरिका की तकनीकी सुप्रीमेसी को खत्म करा सकती है। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को GLSTB यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब सप्लाई किए थे। अब वॉर जोन से एक ऐसी खबर आई है जो अमेरिका को परेशान कर रही है। यूक्रेन ने रूस के ठिकाने पर GLSTB लॉन्च किया। इसकी रेंज अमेरिकी हाईमार्स सिस्टम से ज्यादा बताई गई। यूक्रेन ने दावा किया कि 150 किलोमीटर दूर रूसी ठिकाने पर बम से तबाही मची है। रूस ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का GLSTB इंटरसेप्ट कर लिया। अब रूस के पास GLSTB का मलबा है। हालांकि अमेरिका ने रूस के दावे का खंडन किया, लेकिन रूस के दावे को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर रूस ने अमेरिका का स्मार्ट बम इंटरसेप्ट कर लिया है तो अब इसकी तकनीक पर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो जाएगी। GLSTB यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब यूक्रेन को मिलने वाला सबसे लॉन्ग रेंज हथियार है। इसकी रेंज 151 किलोमीटर तक है। इसे GPS से गाइड किया जाता है। 1 मीटर के दायरे में भी सटीक अटैक करता है। हर मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रास्ते में आने वाले अवरोध से खुद बच सकता है। GLSTB 360 डिग्री अटैक करता है, यानी लॉन्च पैड के पीछे टारगेट हो तो खुद ब खुद मुड़ सकता है। GLSTB केव ब्रीचिंग बॉम्ब है, यानी गुफा के अंदर छिपे टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। अमेरिका की ये स्मार्ट तकनीक अब रूस के हाथ लग चुकी है। GLSTB इंटरसेप्ट करने के दावे के साथ ही रूस ने कहा है कि MQ-9 रीपर ड्रोन का मलबा भी उसकी सेना को मिल चुका है। चौदह मार्च की सुबह ही रूस ने ब्लैक सी के ऊपर अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया था। ये ड्रोन अमेरिका की सबसे आधुनिक तकनीक से लैस है और ये तकनीक टॉप सीक्रेट है। GLSTB और MQ-9 रीपर ड्रोन का मलबा मिलने के बाद रूस ने
अब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी शुरू कर दी। बकायदा रूस की कंपनी रॉस्ट्रॉम इस पर रिसर्च भी कर रही है। अमेरिका की दो दो स्मार्ट तकनीक रूस के हाथ पड़ चुकी है और इसका असर यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली मदद पर देखने लगा है। पेंटागन ने कहा है कि यूक्रेन को MQ-9 रीपर ड्रोन नहीं दिए जाएंगे। ब्लैक सी में रीपर ड्रोन रूसी सीमा से 40 मील दूर उड़ रहे हैं, जबकि पहले ड्रोन 12 मील दूर उड़ रहे थे। ड्रोन से रूस की जासूसी करने में अमेरिका डर रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स देने से भी इनकार कर दिया है। पहले अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स देने पर विचार कर रहा था, लेकिन अब साफ इनकार हो चुका है। अमेरिका को डर है कि रूस उसके स्मार्ट हथियारों को इंटरसेप्ट करके उनकी तकनीक चुरा लेगा। इसी डर का असर यूक्रेन को मदद पर दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।